सियासत की बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग को लेकर आरजेडी सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर बिहार की उपेक्षा का आरोप लगाया। आरजेडी की मांग है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। बजट में बिहार को मिले विशेष पैकेज को आरजेडी ने बस छलावा बताया है। विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत उफान पर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आरजेडी के सभी लोगों ने किया है एक साथ। पप्पू यादव भी यहाँ पर खड़े मिल रहे हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा इसकी मांग को मजबूत करते हुए। में कहावत है कि पीनट्स, बिहार को पीनट्स भी नहीं छिलका मिला तो विशेष राज्य के दर्जे पे अड़े हुए हैं, जातिगत जनगणना पे अड़े हुए हैं। एससी एसटी वाले जो पूरा मसला है, पूरे देश में आक्रोश है। सरकार विधेयक लाए, विधेयक के लिए आप कहेंगे कि समय नहीं है, अध्यादेश लाइए। मतलब अगर आप देखिए तो कितने सारे मुद्दे थे, एएमयू का मुद्दा था, एससी एसटी का मुद्दा है, जातिगत जनगणना है, विशेष राज्य का मुद्दा है। कुल मिलाकर के संसद और किस काम के लिए? देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी भी एक समय मांग कर रहे थे और सिर्फ नीतीश कुमार जी ही मांग नहीं कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी बिहार जाकर के, और उन्होंने कहा कि उसको विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री जी को अपनी ही बातें जो कही थी उन्होंने, उनको याद नहीं है। और जो बिहार को जो मदद भी दी गई है बहुत छोटी मदद है, और उससे कितने समय में वो मिलेगा? तत्काल तो वो मदद मिली नहीं है, वो 10 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, कब पूरा होगी? तो कहीं ना कहीं एक तरह से बिहार के जनता को धोखा दिया गया है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर आरजेडी सांसदों ने प्रदर्शन किया। राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मूंगफली का छिलका मिला। आरजेडी के इस बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। एनडीए ने इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन पर हमला बोला। कांग्रेस ने विशेष दर्जे की मांग पर अभियान शुरू करने की बात कही है। और मनमोहन सिंह सरकार पार्ट टू, लालू प्रसाद जी की भूमिका मनमोहन सिंह सरकार पार्ट वन में विशेष थी। क्या उस समय उनको विशेष राज्य का दर्जा याद नहीं था? और जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया जो बिहार की जनता को आज दिख रही है, क्या आरजेडी के लोगों को नहीं दिख रही है? अरे, आरजेडी के लोगों को विशेष राज्य की दर्जा की जो बात करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, और कम से कम बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार के लोगों ने जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था प्रकट किया है उसका पूरा का पूरा इनाम बिहार को मिलने जा रहा है और मिल रहा है। मनोज झा जी इस तरह के बयान देकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राजद के लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। इन्हें जब भी मौका मिला है इन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। खैर, इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहार के लोग बेहतर समझते हैं। और विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है और हक है, और वो हक के लिए किसी भी स्तर पे कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने को तैयार है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तनाव का माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संपत्ति दान की उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो इसे देखा जा रहा है। शहनवाज हुसैन ने आरजेडी सांसद मनोज झा के पीरियड का छिलका वाले बयान पर भी पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन से, शहनवाज जी, ओवैसी साहब की तरफ से जो बयान आ रहा है वक्फ कानून में संशोधन को लेकर के जो सरकार आगे बढ़ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी पूरे मुल्क में भड़म पैदा कर रहे हैं। वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे तनाव पैदा हो जाए। वो कह रहे हैं मुसलमानों के मामले में दखल दे रही है सरकार। अरे, वक्फ की जो संपत्ति है, जिन लोगों ने दान किया उसका मिसयूज ना हो। आजकल तो लैंड माफिया उसमें मॉल बना रहे, गरीबों को तो कुछ मिल नहीं रहा। इस तरह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समाज का व्यक्ति होगा वही अपने समाज की चिंता करेगा। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो एक सनातनी हिंदू हैं लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पूरे देश को एक मोती की माला में पुरो कर चल रहे हैं, उसका नाम नरेंद्र मोदी। संसद भवन परिसर में आरजेडी के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मनोज झा ने कहा कि पीनट का छिलका केवल मिला है बिहार को, जो सहायता मिली है बजट में जो प्रावधान किया गया उसको। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मनोज झा का ये बयान। इतना कुछ दिया मोदी जी ने,
और जब किसी ने कुछ नहीं दिया तब तो आप यूपीए में साथ थे कांग्रेस के, बिहार में रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पर्यटन के लिए, सब क्षेत्र में मोदी जी ने दिल खोल के दिया है। अगर शुक्रिया नहीं कह सकते मोदी भाईजान का तो कम से कम आलोचना तो मत कीजिए झाजी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने के बाद जेपीसी के पास भेज दिया गया है। केंद्र सरकार के इस कदम की बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने सराहना की। उन्होंने कहा कि विधेयक लाने की चर्चा के बाद मुसलमानों में चिंता और भ्रम की स्थिति थी, अब इस विधेयक की गहराई से संसदीय समीक्षा होगी। शुरू से ही अल्पसंख्यक समाज के लोगों के मन में कुछ चिंताएं एवं आशंकाएं थी और उसके मद्देनजर जो हम लोगों का जदयू का भी मानना था कि इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति में भेज के केंद्र सरकार ने यह एक अच्छा कदम उठाया है। और बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने वक्फ बोर्ड बिल नियम में बदलाव के बाद विपक्ष के सवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम अच्छे काम करने पर भी उसे एजेंडा बनाना है। मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि अभी तक वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीएम नीतीश कुमार के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साथ भी कई लोग इस पर अभी विचार कर रहे हैं और जो भी फैसला लिया जाएगा उससे किसी को कोई हानि नहीं होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, बड़े भाई जमा खान साहब, ये सब बैठ के टिक टैक कर रहे हैं और जो बेहतरी के लिए होगा उसके लिए ये लोग सोच रहे हैं, कोई बदलाव के लिए नहीं सोच रहे हैं जिससे कि किसी को कोई हानि हो जाए, वैसा कोई कार्य नहीं होने वाला। मोतिहारी में नागपंचमी की पूजा के दौरान आपसी रंजिश में चाकूबाजी हुई है और इसमें एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई जबकि दूसरे पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मंजरिया थाना क्षेत्र के अजगरी गांव की घटना है। घटना के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट है और अभी हालात सामान्य है। एएसपी ने मामले की जांच जारी रहने और दोषियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने की बात कही। के एक व्यक्ति राम कुंवर राम जी की हत्या चाकू मारकर कर दी गई। महावीरी झंडा खेलने को लेकर ये वारदात हुई थी जिसमें कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इनके साथ चाकू मारा गया और हत्या की गई। हत्या करने में से जो लोग शामिल थे उसमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो चाकू जिसका प्रयोग किया गया था हत्या करने में उसको भी बरामद कर लिया गया है। FSL की टीम बुलाई गई है जांच के लिए, साथ ही साथ बंजरिया थाना में FIR दर्ज कर इस पर कार्रवाई की जा रही है और बाकी कुछ लोग जो कि इस वारदात में शामिल थे उनकी भी पहचान कर ली गई है और उनकी। और खबर है भागलपुर से जहां दवा कारोबारी रौनक केडिया की हत्या के विरोध में व्यवसायियों के साथ दूसरे संगठन ने भागलपुर बंद बुलाया है। शहर की सभी दुकानें बंद हैं, सड़क पर उतरकर कारोबारी अपराधियों की गिरफ्तारी और व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि 32 घंटे हो जाने के बाद भी अभी तक पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पाई है और साथ ही पुलिस की गश्ती पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। किसी तरह का गलत कोई काम नहीं करता था, उसको 6 गोलियों से मारा गया। उसके बाद प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली है। 32 घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन का कोई भी इस घटना का उद्भेदन नहीं है। हम लोग व्यवसायियों का एक ही मांग है, घटना की उद्भेदन करके जो भी इसमें लोग मारने वाले हैं उसको फांसी की सजा दी जाए। यदि प्रशासन का रवैया इस ढंग का रहा तो हम लोगों का आंदोलन इससे भी ज्यादा तेज हो। देखिए, रौनक केड़िया की जो निर्मम हत्या अपराधियों ने की है उसके विरोध में आज हम यहाँ भागलपुर की सड़कों में व्यवसायी वर्ग उतरा है और भागलपुर बंद का आह्वान हमने किया है। भागलपुर बंद के आह्वान को व्यवसायियों का पूर्ण समर्थन और सपोर्ट मिला है। स्फूर्त बंद है, व्यवसायी आक्रोशित है। हम जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं, आज की बंदी के नाते हमारा यह विरोध दर्ज करने के लिए हमने बंद का आह्वान किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से कहा, आप मन से गोल्ड निकाल दीजिए, आप स्वयं सबसे बड़े गोल्ड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान नीरज चोपड़ा की माँ की भी तारीफ की। सर, नीरज बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपके तरफ आशा की नजर से देख रहे थे।
बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा हो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी, और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी, और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माता जी भी कभी खेल कूद में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल लेंगे। माता जी का जो इंटरव्यू है जी, उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है। हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा, जब उनको कहा गोल का, उन्होंने कहा वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है, मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि तो ये स्पोर्ट्स में सर वही है, जुड़े रहते हैं। हाँ सर, स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है, अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे, और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है तो वही है, जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है वो उस दिन, तो जैसा हमारा टोक्यो में था। तो है ही, लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर, आपने इंजरी के बाद भी जो मैनेज किया है ना, वो वाकई बहुत ही अद्भुत है जी, और उसमें तो एक स्पिरिट मुझे देश के लिए कुछ करना है वही तो ड्राइव करता है। बिल्कुल सर, ये भी तो काफी बाकी है सर। आप मन में से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए। हाँ सर, अब तो निकल ही गया वैसे ही। बहुत बड़ा गोल्ड है। नहीं सर बिल्कुल, ये तो सर चलता रहेगा, जब तक गेम चल रहा है तो हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो ज्यादा ही करेंगे आगे, और जब तक खेल लेंगे अपनी कंट्री के लिए हमेशा जितना अच्छा कर सकते हैं। और बहुत नई नई ऊंचाइयों को पार हो रहा है, आपने वैसे भी दो बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत इन्हें गिने लोग होते हैं, उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया है। बिल्कुल सर, चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, और मेरी बहुत शुभकामनाएं, और आप मुझे जब भी मिलोगे जी सर, हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है सर, ये समझाइए कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर, टेक केयर, नमस्ते सर। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।